किसी भी लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो तो यहाँ पे वो आ सकते हैं और उनकी जो शादी है उसके आसार हो जाते हैं थोड़े ज़्यादा। और ये मार्बल का टेंपल बना, देखिए इतना अच्छा लग रहा है मंदिरों के अंदर, मतलब साइड से जो है पूरा चक्कर जो है वो गाय माता लगा रही है। आप सभी को हम सबकी तरफ से राधे 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 राधे। तो अभी हम वृंदावन में ही है जहाँ हमने रात को स्टे किया था। पिछले जो कल थे हमने जो जो प्लेसेस कवर किए थे, बहुत पहली बात आपको बता दूं कि अगर आप वृंदावन में हैं तो यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, कुछ मंदिरों के नाम आपने सुने होंगे। तो हम जब गए थे कल तो हमारे पास कैब थी, कैब थी तो हमने सारा सफ़र अपना जो है कम्प्लीट किया था। और कल हम जो गए थे जिन जिन जगहों के जा रहे थे, हम शनिदेव के मंदिर पे गए थे और हम गए थे बरसाना गए थे जहाँ पे दादाजी है। एक्चुअली वहाँ पे पैदा नहीं हुई थी, हमें जो है जिसे बताया जब पैदा वो कहीं और हुई थी, पैदा होने के एक साल की जब हो गई तो उनको वहाँ छोड़ दिया था। आज का जो प्लान है तो कैब नहीं है हमारे पास, टैक्सी अवेलेबल नहीं है, तो आज हम जो है यहाँ से ही बाय रिक्शा जो है जाएंगे। कल हमें गोवर्धन पूजा, मतलब गोवर्धन जो पर्वत है वहाँ जाना था, उनका परिक्रमा करनी थी, जिसमें आपको अगर सिर्फ आप परिक्रमा कर रहे हो ना तो आपको एक घंटा लग जाता है ओनली, अगर आप थ्रू नहीं सिर्फ अगर हम मंदिर का दर्शन नहीं करते तो एक घंटा लग जाता है। तो अभी हम देखते हैं, कुछ कुछ मंदिर भी जाएंगे, सब जगह ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे और हम आज जाएंगे प्रेम मंदिर जाएंगे, आज हम लक्ष्मी माता वैष्णो माता के मंदिर जाएंगे और इसके सिवा हम जाएंगे निधिवन। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वहाँ पे एक्चुअली ना भीड़ बहुत होती है तो बहुत जगह पे आपको हम दिखा तो सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते वहाँ पे, तो आप बने रहिएगा। आपको जिन जगह जाएंगे जहाँ पॉसिबल होगा, बिकॉज कुछ जगह पे फोन अलाउड नहीं होता है वो आपको दिखाएंगे। बाकी आप सब भी देखिए रहिएगा, जहाँ पे आप भी राधे राधे लिखिएगा सब कमेंट बॉक्स में, तो बने रहिए हमारे साथ राधे राधे। तो अभी हम ऑन द वे है, सबसे पहले जो हम मंदिर कंप्लीट करेंगे जहाँ हम जाएंगे वो है कात्यायनी पीठ का। और कात्यायनी पीठ के बाद हमने जो दूसरा प्लेस सोचा है वो है रंगनाथ टेंपल, एंड आफ्टर रंगनाथ टेंपल हम जाएंगे निधिवन के लिए। तो ये जो मंदिर है जो मैंने आपको तीन मंदिर बताए, ये आपके वृंदावन में ही आते हैं, और वृंदावन में मतलब आपके वृंदावन की जो परिक्रमा होती है ना उसमें ये सारे के सारे मंदिर आते हैं। तो ये जितने भी मंदिर वृंदावन में है उनका टाइमिंग है जैसे मैंने आपको पहले कहा था, तो जल्दी सुबह अराउंड 7 o'clock से लेकर आपके अराउंड 12:30 तक ही मंदिर जो खुले रहते हैं। तो आप उसी के बीच में जो है यहाँ जाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद बीच में 2-3 घंटे का गैप रहता है। तो अभी हमारे जो प्लान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जो कात्यायनी जी का मंदिर है, यहाँ पे गोपियों ने तप किया था ताकि उनको कृष्ण जी जो है वो उनको मतलब पति के रूप में मिल सके, तो उसी का ये मंदिर है। ये हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है जो हम सुबह उठ के जा रहे हैं, और ये आपका वृंदावन में ही है, मतलब अगर आप वृंदावन आए ना तो ये लोकेशन वहीं पे आती है। ये मेरी मामी है। तो बस यहाँ जा रहे हैं और बहुत सारे बंदर भी आपको मिलेंगे। तो भगतजनों हम आ चुके हैं घूमते घूमते मंदिर में, दूसरी जो लोकेशन है उसमें आ गया। दिस इज़ द सेकंड लोकेशन, जो फर्स्ट लोकेशन थी वहाँ पे फ़ोन ऐसे अलाउड नहीं था। सी दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पल। और ये जो मंदिर है ये है रंगनाथ मंदिर, आप भी देख लोगे बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हैं। ये देखिए आपको खरीदना तुलसी की माला है, बहुत सारी माला है वैसे जिनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस जो है वो है। जितने भी मंदिर हैं यहाँ बहुत सुंदर है,
बहुत ही सुंदर मंदिर आपको दिख रहा होगा और प्रतीक ना देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लोग जैसे ग्रुप में आए हैं गौ माता की जय। वृंदावन वासी कुछ लोग यहाँ के लोकल ही है बट मैक्सिमम लोग दूर दूर जगह से आए हैं। और अब जैसे ग्रुप है जो आया है तो इनके शायद गाइड है उनको बता रहे हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस है किस किस जगह की। यहाँ पर ना आपका पूरा ये देखिए ये पूरा जो है कवर हो रखा है और ये मेरे साथ वाले इस जो मंदिर है इसका नाम है बारह द्वार है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इसकी महत्वपूर्णता ये है कि अगर किसी भी लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो तो यहाँ पे वो आ सकते हैं और उनकी जो शादी है उसके आसार हो जाते हैं थोड़े ज़्यादा। और ये महाबल का टेंपल बना है देखिए इतना अच्छा लग रहा है मंदिरों के अंदर मतलब साइड से जो है पूरा चक्कर जो है वो गाय माता लगा रही है। पूरी हिस्ट्री है आपको देखिए वो अगर आपको जाननी है तो आपको मिल जाएगी वैसे लिखी है आपके साथ जो टूर गाइड रहते हैं वो भी आपको बेसिकली बता देते हैं। कुछ नियम है रूल्स रेगुलेशन है जो आप को फॉलो भी करने पड़ते हैं। ये है शीश महल कुछ टिकट्स भी हैं इनकी और ये जो मंदिर है ना इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन किया है क्योंकि बहुत सारी आप देखोगे ना इसमें चांदी की पालकी है सोने के द्वार इसमें लगे आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए तो इसमें जो सोने और चांदी का लगा है ना जो भी सामान बना है वो लक्ष्मी श्री लक्ष्मी सेठ लक्ष्मी चंद जी है उन्होंने ये सारा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और यहाँ से देखिए आप अंदर भी आप जाएंगे तो बहुत सुंदर जो है बना है। ये बैकुंठ धाम है देखिए ये एक दिन खुलता है पूरे साल में। इसके नीचे से जाना होता है और जो इसके नीचे से जाता है बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये आपको द्वार दिख रहा होगा ना नीचे वाला
यहाँ से जाना पड़ता है, और जो इसके यहाँ से जाता है, इस रास्ते जाता है, वो बैकुंठ को जो है जाता है मरने के बाद। लेकिन इसमें क्या है ना, ये एक ही दिन खुलता है साल में, तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, और पूरे साल ये बंद ही रहता है। तो ज़रूर आइएगा। वो एक दिन कब होगा, वो शायद जनवरी के महीने में जो खुलता है, यह मैं इन्होंने बताया।